तहकीकात करेंगे। अरे बाइट कर ले जल्दी, हम लोग बाइट कर ले। जी नमस्कार, मैं दामोदर राव आप सभी मीडिया वालों को, सभी भोजपुरी श्रोताओं को नमस्कार करता हूं। आज बड़ा ही खुशी का दिन है कि आज ये महाराजा सुहेलदेव राजभर पिक्चर्स के बैनर तले ये एक फिल्म है आल्हा का, जिसका आज रिकॉर्डिंग हो रहा है, मुहूर्त हुआ है, जिसका नाम है महाराजा सुहेलदेव द ग्रेट मैन। ये सभी जानते हैं कि सुहेलदेव महाराज आज से 1100 साल पहले की बहुत ही एक अच्छी स्टोरी है, जिस पे हमने काफ़ी काम किया है। और आज ये हमारे एक परम मित्र है नागेंद्र राजभर जी, उनको गुड्डू भाई भी कहा जाता है, सभी जानते हैं उनको, मार्केट के काफ़ी फेमस इंसान हैं। तो उनके बैनर तले ये आज एक फिल्म एल्बम का जो है ये आल्हा रिकॉर्ड होने जा रहा है, मुहूर्त हुआ है, जिसके गीतकार हैं नंदलाल राजभर जी, जो बहुत सारे गीत लिखते हैं, खासकर सुहेलदेव महाराज जी के गानों को तो बड़ा ही लिखते हैं। आज इसकी गायिका है अलका झा जी, जो हमारे बगल में खड़े हैं, जितेंद्र झा इनकी धर्म पत्नी है, वो उधर बैठी हुई है, तो आजा वो अकेले ही पूरे एल्बम को गा रही हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं और आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस गानों को आप लोग ज़रूर सुनेंगे, देखेंगे और लाइक कमेंट करेंगे। और सब हमारे बगल में ही खड़े हुए हैं गुड्डू भाई, जो खड़े हुए हैं, बारी बारी से सबका नंबर आएगा। तो मैं यही चाहूँगा कि ये अच्छा से अच्छा काम हो, रिकॉर्डिंग हो और आप लोग इसे पसंद करें। आप क्या कहना चाहेंगे मैडम, आपके आपने अच्छे संगीत दिए, गा रहे हैं इस पर, एक बार फिर से नए अंदाज में आप दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, आपने एक बार सही कहा कि फिर से नए अंदाज में, क्योंकि मैंने आल्हा कभी नहीं गाया है, मीन्स की रिकॉर्डिंग कभी नहीं गाई है। तो आज पहली बार हमारे बहुत ही प्यारे म्यूज़िक डायरेक्टर दामोदर राव जी का म्यूज़िक है और उनके सानिध्य में मैं आल्हा गाने की कोशिश करूंगी। नहीं गाऊंगी, लेकिन एक कोशिश, आप गवाओगे तो मैं गाऊंगी, सीधी सी बात है, क्योंकि एक पहली बार एक मंचन करना और एक रिकॉर्डिंग करना बहुत बड़ी बात होती है। तो आज पहली बार अगर एक नया एक्सपीरियंस आल्हा गाने का हमारे दामोदर जी के सानिध्य में, और कोशिश करूंगी कि अच्छा कर सकूं। बाकी बहुत ही प्यारा गीत लिखा है हमारे नंदलाल जी ने, और अमर जी हैं हमारे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर, बहुत ही अच्छे सभी लोग, मतलब मिलकर एक यूनिट है। और बहुत ही अच्छा लग रहा है कि एक स्टोरी है सुहेलदेव राजभर जी की, महाराजा, जैसा कि दामोदर जी ने बताया कि 1100 साल पहले की बात है। क्योंकि मुझे नहीं, मतलब मैंने नहीं सुना है, लेकिन अगर सही बात है कि हिस्ट्री है तो बहुत अच्छी बात है। और आज गाने, हाँ बिल्कुल, आप क्या कहना चाहेंगे मैडम लगातार नए नए गाना गा रही है, आप क्या कहना चाहेंगे एज अ हस्बैंड, कितना आपको ये चाह रहे हैं कि इनके साथ हम भी गाते रहें। जिंदगी में हर बार कुछ बेटर करने की कोशिश करनी चाहिए, और कहाँ देखो तो हमने देखा, जिंदगी में हर बार कुछ ना कुछ बेटर करने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे हिंदी हो गया, भोजपुरी हो गया, मराठी गाया, गुजराती गाया, और भी इसे आला गा रही हैं। और आज लोग इतना फास्ट भाग रहे हैं जो पीछे की चीज़ को भूल गए हैं, जो हमारे राइटर साहब हैं, गुड्डू भैया हैं, दामोदर जी, एक कुछ पुरानी यादों को, जो हमारे आने वाले वंशज है, जो हमारे परिवार है, जो आज के यंगस्टर लड़के हैं, वो भी जाने कि हमारे पूर्वज अगर 11 साल के पीछे की बात क्या था और क्या करना चाहिए। आज लाइफ बहुत फास्ट भाग रही है। मैं अलका जी को वैसे देना चाहूँगा कि इसी तरह हर भाषा में आज ये लगभग 10 से ऊपर भाषाओं गाना गा चुकी हैं, फिल्म हो चाहे फिर सीरियल हो चाहे एल्बम हो, इस तरक्की करें, एक पति के रूप में ही चाहूँगा कि हमेशा प्रोग्रेस करें। और हमारे साथ दामोदर जी बहुत अच्छे मीडिएटर हैं, और सबसे बड़ी बात है कि मीडिएटर तो बात की बात है, हम लोग के बड़े भाई और मार्गदर्शक हैं, अगर कभी कुछ गलतियां होती हैं या कुछ मिस्टेक्स होते हैं तो सुधारते हैं। इसलिए एक ऐसा रिलेशनशिप इनके साथ बना हुआ है कि 24 आवर्स जब भी मुझे कोई जरूरत पड़ती मैं कॉल करता हूँ, भैया क्या करना चाहिए, तो बहुत अच्छा नाम कमाया है। और इसी तरह बढ़ते रहें, अलका जी हो, दामोदर जी हो, और आप तमाम लोग जो हमारे गुड्डू भैया इधर आइए, तमाम फिल्मों में विलन के रूप में हमारे गुड्डू भैया उपस्थित हैं, और ये शान कह जाते हैं, और अब चेहरे से ही। सब लोग को नमस्कार, प्रणाम। आप क्या कहना चाहेंगे सर? मैं राजभर समाज के, राजभर समाज मुंबई में बहुत बड़ा साम्राज्य है इसका। मैं राजभर समाज के एक गोष्ठी में गया था, एक प्रोग्राम में, मतलब वहाँ तादाद में देखा कि किसी जाति का अपना यहाँ अगर प्रोग्राम हो, उतनी पब्लिक नहीं जा सकती है। यहीं
मलाड में हुआ था, तो हमने देखा कि बहुत एकता है, बहुत यूनिटी है, बड़े अच्छे अच्छे पद पे इस समाज के लोग हैं। तो उस समाज के एक बड़े ही स्तंभ हैं नागेंद्र राजभर जी, गुड्डू भैया जी। तो आज इन्होंने एक बड़ा कदम उठाया कि राजभर समाज को, सोलदेव महाराज के वंशज के, सब उन्हीं के वंशज हैं ये लोग, तो उस वंशज को ये आगे बढ़ाने का, नई नई बातों से अवगत कराने का ये ठान लिए हैं। तो चाहेंगे कि आप कुछ अपना अपनी बात बताएं इस फिल्म के बारे में, एल्बम के बारे में, आला के बारे में। जी सब लोग को मेरा, मैं नागेंद्र राजभर का नमस्कार। और जब मुझे मालूम पड़ा कि ये सोहेलदेव राजभर जी का इतिहास है और सन 1113 या 1013 की बात है, तो मैं किसी तरह कोशिश करके इस इतिहास को पब्लिक यानी समाज में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी अगर जो भी इसमें कुछ छोटी मोटी गलती हो तो मैं सब लोग से पहले क्षमा मांगता हूँ कि अगर कुछ मिस्टेक हो तो माफ़ करें। और दिसंबर तक मार्केट में आ जाएगा महाराजा सोहेलदेव राजभर। वीडियो इसके गीतकार हैं नंदलाल राजभर जी, बहुत अच्छे गीतकार हैं। और इस टाइप के स्टोरी टाइप का जो जो गाने होते हैं वो लिखने में ये माहिर हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं 1000 साल पहले की स्टोरी अपने देश के सामने डालने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि लोग समझ सकें, जान सकें कि आज 1000 साल पहले हमारा देश कहाँ पर था और आज कहाँ पर है। इस दिशा निर्देश को देने के लिए मैं अपनी तरफ से देश को दिखाना चाहता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। मैं अमर बेताब इस प्रोजेक्ट का एज डायरेक्टर नियुक्त हुआ हूँ। इसके म्यूज़िक दामोदर राव जी ने दिया है और साथ में गायिका जो ऑडियो की जान होती है वो अलका झा जी। और राजभर समाज को उनकी असलियत बताना, उन्हें एहसास दिलाना, उन्हें याद कराना, इसका ज़िम्मा नागेंद्र राजभर जी ने लिया है। बहुत बड़ी बात है क्योंकि इंसान को अपना इतिहास जानना चाहिए ताकि वो आगे उस पर करेक्शन कर सकें, अमल कर सकें। और इसमें बहुत अच्छा रोल निभाया है इस सब्जेक्ट पे स्टडी करने का नंदलाल राजभर जी ने, क्योंकि उनके बिना मैं अधूरा हूँ और सब्जेक्ट भी अधूरा है, सब अधूरे हैं। तो उनका मैं शुक्रगुजार हूँ। और उसके साथ संगीत से पुराया है दामोदर राव जी ने, उससे बड़ी भूमिका। अब गाएंगे अलका झा जी, उनसे बड़ी भूमिका। और इस चीज़ को जो बेड़ा उठाया है बनाने का नागेंद्र राजभर जी, उनका भी भूमिका। मैं सबका आभारी हूँ, अमर बेताब सबका शुक्रिया अदा करता है इसमें नियुक्त होने के लिए। नमस्कार। क्या बात है। उनको तो फायदा हो गया, में घुस सकते हैं, वजन का फायदा ले रहे हैं। बोलिए गणपति बप्पा, मंगल मूर्ति, बोलिए दुर्गा माता की जय, काली माता की जय, मुंबा देवी माता की जय। सर जी गए क्या? संजय जी गए बैठे। इधर देखिए फोटो आएगा। हाँ इधर प्रकाश जी देखा, इधर चेहरा उधर ही दिखेगा, वो तो हो गया पूजा। सोहेलदेव की भूमिका यही कर रहे हैं। अच्छा अच्छा ओके। उसमें एक्चुअली इतिहास में वो 21-22 साल का ही था ना, वो सोहेलदेव प्ले करेंगे। नारियल बाहर वहाँ थोड़ा सा यहाँ पे आ, कुछ फोटो हो जाता फिर। हाँ, नारियल तो रख दीजिए, सामान को मत करो। हाँ। बस देखिए
चलिए।